हाय एवरीवन, मैं पारस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्लाइंड टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में। और साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा शानदार वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिसके अंदर आप लोगों को करेंसी रीडर, टेक्स्ट रीडर, इमेज रीडर, लोकेशन शेयरिंग और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं गाइस, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो गाइस, अगर आप लोग टेक्नोलॉजी को ऐसे ही आसान शब्दों में सीखना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस आप लोगों के लिए आते रहेंगे। साथ ही गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, साथ ही शेयर कर देना सभी के साथ ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और चैनल के अबाउट पेज से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे पास है आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़। गाइस, अगर आप लोग अपने एंड्रॉयड फ़ोन में अलग अलग स्क्रीन रीडर टेक्स्ट टू स्पीच को इस्तेमाल करने के शौकीन हैं, जैसे टॉकबैक, जीशियो स्क्रीन रीडर या फिर अलग कोई स्क्रीन रीडर या कोई अलग टेक्स्ट टू स्पीच का अगर आप लोग इस्तेमाल करते रहते हैं, तो मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कोर्स। गाइस, इस कोर्स के अंदर आप लोगों को एंड्रॉयड फ़ोन के सभी स्क्रीन रीडर और टेक्स्ट टू स्पीच यानी कि TTS के बारे में आप लोगों को कंप्लीट सेटअप सिखाया जाएगा। गाइस, इस कोर्स की टाइम ड्यूरेशन ओनली 1 मंथ की है। ऑनलाइन क्लासेज होंगी। 199 रुपीज़ इस कोर्स का चार्जेस है। मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा जानने के लिए इस कोर्स में और साथ ही इस कोर्स में अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर 7988651267 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को मेरा नंबर मिल जाएगा। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिंदु इस एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। इस एप्लीकेशन की लिंक आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इन दोनों ही चैनल्स की लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट पेज में मिल जाएगी। वहां से आप लोग चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं करता हूँ अपने फ़ोन में टॉकबैक को ऑन और चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। Gestures for certain features are now disabled. Talkback on ho gaya. Chalte hain application ke andar. Auto TTI Eloquent DU Recorder Bindu. Hai na Bindu. Ye hamara application hai. Open karenge. Bindu. Connecting dots. Discovering patterns. Hai na, to connecting kar rahi hai. Your companion welcomes you. Connecting dots. Discovering patterns. Connecting dots. Discovering patterns. है ना, तो ये जो एप्लीकेशन साइनिंग पेज हमारे सामने ओपन हो गया है। साइन अप विद गूगल बटन है ना, साइन अप विद गूगल का ऑप्शन है। टैप टू स्टॉप साइन अप कनेक्टिंग डॉट्स डिस्कवरिंग पैटर्न्स साइन अप विद गूगल बटन है ना, साइन अप विद गूगल का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। बिंदु गूगल प्ले सर्विसेज चूज अ कंटिन्यू पारस बैलेट पारस यहां से अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे जिससे आप लॉगिन करना चाहते हो बिंदु एप्लीकेशन के अंदर। मैं डबल टैप करता हूं, अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। गूगल प्ले सर्विसेज बिंदु Swipe up to stop the narration. Swipe down to restart the narration. Swipe right to exit. Swipe left to check battery level. So guys, isne jo hai main menu. There are 3 buttons on the screen. Isko chup karta hu pehle. Ha guys, ab ye chup ho gaya. Isne bataya agar main swipe down karta hu to ye bolna dobara se shuru kar denge, guidance denge. Swipe up karunga 2 finger se to ye bolna chup ho jayenge, jaise ki abhi maine chup karaya hai. स्वाइप राइट करूंगा तो एग्जिट हो जाएगा और स्वाइप लेफ्ट करूंगा 2 finger से तो बैटरी परसेंटेज बताएगा। देखिए, लेफ्ट करूंगा 2 finger से योर बैटरी इज 76% है ना, तो इसने बैटरी परसेंटेज बताया। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एप्लीकेशन है। तो स्वाइप कर करके हम सभी ऑप्शंस को देखेंगे इस एप्लीकेशन में। बिंदु ये एप्लीकेशन का नाम बता रहा है। अनलेबल बटन गाइज, ये है सेटिंग, इसकी प्रोफाइल एंड सेटिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है यहाँ पे। सेटिंग्स है। अबाउट है। टॉकबैक है। टेक्स्ट टू स्पीच है। टैप टू स्टॉप बस टेक्स्ट टू स्पीच, ये इसमें ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अकाउंट एंड सेटिंग को चेक करेंगे जो कि अपने को टॉप राइट कॉर्नर पे मिलती है। टॉकबैक
About. Settings. Get started. Unlabeled. ये जो अनेबल बटन है इस पे क्लिक करेंगे Back button. तो यहाँ पे हमारी प्रोफाइल ओपन हो गई है. Profile. Head. Button. Disabled. ये मोर ऑप्शन है लेकिन डिसेबल है. Paris. Edit box. First name. यहाँ पे फर्स्ट नेम पारस, लास्ट नेम भला मेरा दिखाया. Edit box. Mobile number. यहाँ पे आप लोग text. अपना मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हो. parismala5353@gmail.com. आगे मेरी ईमेल आईडी दिखाई, आगे देखते हैं. Edit box. Emergency mobile number. इमरजेंसी मोबाइल नंबर. आप इस एप्लीकेशन के थ्रू जो है इमरजेंसी कॉल भी कर सकते हो. बस आपको नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है जिस भी नंबर पर आप कॉल लगाना चाहते हो इमरजेंसी में, अपने पेरेंट्स का या फिर अपना कोई भी जो आपका फैमिली मेम्बर हो उसका आप नंबर टाइप कर सकते हो यहाँ पे. ब्लड ग्रुप सेलेक्ट, ब्लड ग्रुप है ना, यहाँ से आप लोग अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो. जैसे ओ पॉजिटिव होता है ना, बी पॉजिटिव होता है, तो ऐसे आप लोग अपने ब्लड ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे. Gender, select gender button. यहाँ से आप लोग जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, मेल और फीमेल दोनों. Save profile. और यहाँ पे ऑप्शन है सेव प्रोफाइल का. सेव प्रोफाइल पे क्लिक करोगे आपकी जो प्रोफाइल है वो सेव हो जाएगी. ठीक है, यहाँ से बैक करेंगे. Service mode. Bindu. Unlabeled. Get started. तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, सारे ऑप्शन अपने को यहीं पे दिखेंगे. डबल टैप करूंगा यहाँ पे. Navigating to services screen. है ना, तो इसने बोला नेविगेटिंग टू सर्विस स्क्रीन, यानी कि सर्विस स्क्रीन पे जो है हम लोग आ गए हैं. आगे देखते हैं. Services, heading. है ना, services, ये heading है. Button, detected, text. ये जो बटन है ये प्रोफाइल का बटन है. Picture description. है ना, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है पिक्चर डिस्क्रिप्शन. ठीक है. Text detection. Text detection. Text reader है ये. Magnifier. Magnifier है, लार्ज. Currency detection. Currency detector है. Button. है ना, उसके बाद ये आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं. अब आपको दूसरी स्क्रीन पे जाना है. टू फिंगर से राइट से आप लेफ्ट की ओर करोगे तो और ऑप्शन आपके सामने खुलेंगे. देखिए करता हूँ. अब जो है मेरे सामने चार और नए ऑप्शन आ गए हैं, स्वाइप करके देखते हैं. Unlabeled. Button. Tap to stop. QR/barcode scanner. है ना, QR और बारकोड स्कैनर. आगे देखते हैं. People detection. People detection. Emergency calling. Emergency calling. Location sharing. Location sharing. है ना, तो एक बार और हम टू फिंगर से राइट से लेफ्ट की ओर करेंगे तो हमारे सामने और ऑप्शन खुलेंगे. ये हम तीसरे पेज पे आ गए हैं. Services, button, speech to text. Speech to text. ये ऑप्शन है यहाँ पे. Button. इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ये नौ ऑप्शन इस एप्लीकेशन के अंदर मिलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके सभी ऑप्शन को समझते हैं. तो अब पहले पेज पे चलेंगे. मैं टू फिंगर से लेफ्ट से राइट की ओर करूँगा, दूसरे पेज पे आऊँगा. अब फर्स्ट पेज पे आ गया. Unlabeled. Button. Picture description. Text. Picture description. पहला ऑप्शन है यहाँ पे पिक्चर डिस्क्रिप्शन. ठीक है, ये फर्स्ट स्क्रीन है और फर्स्ट ऑप्शन है इसका. ठीक है, पिक्चर डिस्क्रिप्शन में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की किसी भी चीज़ की फोटो खींचेंगे तो उसके बारे में बताएगा. क्लिक करता हूँ यहाँ पे. पिक्चर डिस्क्रिप्शन. परमिशन देंगे कैमरे की. Picture description button disabled. Capture image. Capture image है, तो मैं एक फोटो कैप्चर करता हूँ यहाँ पे. कैप्चर होगी फोटो, एक साउंड आप लोगों को आ रहा होगा वीडियो में आई थिंक. Small alarm clock on a bed. है ना, देखिए इसने बताया बेड और क्लॉक भी है. ठीक है, मैंने अपने बेड की फोटो खींची थी. रिजल्ट डिस्प्ले हेडिंग. रिजल्ट डिस्प्ले, स्वाइप करता हूँ आगे लेफ्ट से राइट की ओर. बटन डिसेबल्ड. अ स्मॉल अलार्म क्लॉक ऑन द बेड. एंड देखिए स्मॉल अलार्म क्लॉक एंड बेड. है ना, तो यहाँ पे बेड है और साथ में अलार्म क्लॉक है, यानी कि क्लॉक है. ठीक है, आगे देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है यहाँ पे. प्ले. आप दोबारा प्ले कर सकते हो. देखिए अ स्मॉल अलार्म क्लॉक ऑन अ बेड. पॉज. पॉज कर सकते हो. रिप्ले. रिप्ले कर सकते हो दोबारा से. कॉपी. कॉपी कर सकते हो टेक्स्ट को. शेयर. शेयर कर सकते हो टेक्स्ट को. टैप टू स्टॉप. बस यही ऑप्शन है यहाँ पे. तो यहाँ से बैक करेंगे. 0813. सर्विसेज. बैक. पिक्चर टेक्स्ट डिटेक्शन. अब आ गया गाइस टेक्स्ट डिटेक्शन. अगर आपको कुछ लिखा हुआ पढ़ना है प्रिंट में तो उसके लिए ये काम करेगा. मेरे पास एक बुक थी मेरी. टेक्स्ट डिटेक्शन. हाँ ये रही. तो मैं यहाँ से अपनी इस बुक की फोटो कैप्चर करता हूँ. टेक्स्ट डिटेक्शन बटन डिसेबल. कैप्चर इमेज. है ना, कैप्चर इमेज पे क्लिक करूंगा फोटो को बुक को सामने रख के. साउंड आप लोगों को आ रहा होगा आई थिंक. ये स्कैन कर रहा है.
कुछ सस्वर्ण भारत की राज्य व्यवस्था सिविल सेवा एवं अन्य राज्य परीक्षाओं हेतु लक्ष्मीकांत समामान्यों में नवीनीकरण। देखिए गाइस, ये जो है मेरी इंडियन पॉलिटिक्स बुक है, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, भारतीय संविधान की, ठीक है। आप यहाँ से प्ले कर सकते हो दोबारा से, स्वर्ण भारत की राज्य पॉज कर सकते हो, रिप्ले कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो ये वही ऑप्शन आ गए पहले जो उसमें थे, बैक करेंगे यहाँ से। मैग्नीफायर, ये गाइस लार्ज करने के लिए यानी कि जूम करने के लिए है, अपने किसी काम का नहीं है, ठीक है। बाकी इस पे क्लिक करके आप लोग सी कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हो, बस और कुछ भी नहीं है। करेंसी डिटेक्शन, मेरे पास फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरा जो पर्स वगैरह वॉलेट वगैरह वो दूसरे रूम में है। तो यहाँ से आप लोग जो है करेंसी डिटेक्ट कर सकते हो, सिंपल डबल टैप करोगे यहाँ पे, करेंसी डिटेक्शन, ठीक है। कैमरा हमारे सामने खुल गया, आपको नोट बिल्कुल जैसे हम मनी RBI एप्लीकेशन से पहचानते हैं सेम उसी तरह नोट इसके नीचे रखना है। उसके बाद कैप्चर इमेज का आपको ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करोगे तो ये नोट पहचान देगा, ठीक है। बैक करेंगे यहाँ से। अब गाइज एक स्क्रीन पे चार ही ऑप्शन है, ठीक है, इस एप्लीकेशन के अंदर। अब हमने चारों ही ऑप्शन को देख लिया, उसके बाद अपने को दूसरे पेज पे जाना है। जैसे हम ऐप स्क्रीन पे पेज चेंज करते हैं सेम उसी तरह, अब अपने को राइट से लेफ्ट की ओर करना है, टू फिंगर से मैंने कर दिया, ठीक है, और पेज चेंज भी हो गया है ना। QR और बार कोड स्कैनर है, ठीक है, आप यहाँ से स्कैन कर सकते हो QR कोड वगैरह को, क्लिक करोगे तो नॉट स्कैन है क्योंकि फिलहाल मेरे पास कोई स्कैनर है ही नहीं। पीपल डिटेक्शन, ठीक है, यहाँ से आप लोग जो है पीपल्स को डिटेक्ट कर सकते हो, आपके सामने कोई है, एक लोग है, मतलब एक इंसान है, दो इंसान है, फिलहाल मेरे सामने कोई भी नहीं है। डिटेक्शन, स्वाइप राइट टू गो बैक, कोई फोटो भी मिल जाती तो मैं आप लोगों को बता देता, ठीक है, लेकिन वो पीपल को ही डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ से बैक करेंगे, आपके सामने अगर कोई आए तो आप फोटो कैप्चर कर देना पीपल डिटेक्शन वाले ऑप्शन पर जाके, कैप्चर इमेज पर जैसे ही क्लिक करोगे फोटो क्लिक करेगी, साउंड आएगा तो आपके बाद वो बता देगा आपको, ठीक है। बैक करेंगे यहाँ से। Emergency calling, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, प्रोफाइल में आप लोग नंबर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, जिसको भी आप इमरजेंसी कॉल लगाना चाहते हो एंड टाइम पे, आप इस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट कॉल लग जाएगा। लोकेशन शेयरिंग, यहाँ से आप लोग जो है अपने करंट लोकेशन को शेयर कर सकते हो, इस पर क्लिक करेंगे। Location permissions are denied. Please allow permission to use this feature. तो ये जो है हमसे लोकेशन की परमिशन मांग रहा है, अलाउ कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, location sharing, fetching location free while using the app, है ना, while using the app कर देंगे, bindu, fetching location free full stop. तो ये जो है लोकेशन को सर्च कर रहा है। Back button, location button, disable, share location. शेयर लोकेशन पे क्लिक करके आप लोग लोकेशन शेयर कर सकते हो। Please update the profile. है ना, बोल रहा है प्लीज अपडेट द प्रोफाइल, मैंने जो है प्रोफाइल अपडेट नहीं किया अपनी लोकेशन वगैरह ऐड करके उसके बाद शेयर कर सकते हो लोकेशन को। तो यहाँ से बैक करेंगे। उसके बाद गाइस हम चलेंगे अब थर्ड स्क्रीन पे, तीसरे पेज पे, राइट से लेफ्ट की ओर करेंगे टू फिंगर से एक बार, कर दिया मैंने। Services button, speech to text. है ना, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है speech to text. क्लिक करेंगे. Speech to text. Back button, speech to text button disabled. Select the languages button. है ना, यहाँ से आप language select करोगे. Press the button. Share button है. Button. और ये mic button है, ठीक है, इसमें बोल के आप type कर सकते हो. Recording चल रही है, शायद होगा नहीं, ठीक है, तो back करेंगे. यहाँ से बैक करेंगे, हमारा जो गेट स्टार्टेड वाला जितने भी इस एप्लीकेशन में ऑप्शन थे वो हमने देख लिए, ठीक है। अब उसके बाद आएगी सेटिंग, स्वाइप करेंगे लेफ्ट से राइट की ओर, सेटिंग्स का ऑप्शन है, इस पे चलेंगे। नेविगेटिंग टू सेटिंग स्क्रीन, देखिए इसने बताया नेविगेटिंग टू सेटिंग स्क्रीन, यहाँ पे देखते हैं settings, तो यहाँ पे एप्लीकेशन की सेटिंग जो है ओपन हो गई है, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। पहला ही ऑप्शन है जो ये बटन, ये प्रोफाइल का ही है, टॉप राइट पे मिलता है आपको, टेक्स्ट टू स्पीच स्पीड, यहाँ से आप स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो, जो आपकी टेक्स्ट टू स्पीच आपको गूगल TTS की वॉइस आ रही होगी। इंग्लिश इंडियाना, यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, डबल टैप करोगे चेंज हो जाएगी। English US, देखिए English US हो गई, दोबारा डबल टैप करेंगे, हिंदी इंडियाना, अब हिंदी हो गई, English इंडियाना, English इंडियाना होगी, फिर
इंग्लिश यूएस कर दी मैंने, ये रखूंगा। रीसेट, रीसेट कर सकते हो आप टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग को। लॉग आउट, लॉग आउट कर सकते हो एप्लीकेशन को। इसके अलावा और कोई सेटिंग नहीं है इसमें, बैक करेंगे। Settings, about. अब आ रहा है एप्लीकेशन का अबाउट, ठीक है, एप्लीकेशन के बारे में, इसका कुछ खास नहीं है। टॉक बैक, ये जो आपको टॉक बैक यानी कि एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में ले जाएगा, क्लिक करेंगे इस पे। देखिए एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में अपने को ये ले आया। तो यही जो है इस एप्लीकेशन का इंटरफेस है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एप्लीकेशन है हम लोगों के लिए। तो आपका ये वीडियो और ये एप्लीकेशन आप लोगों को कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइएगा। और गाइज उस कोर्स में रजिस्ट्रेशन आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़फुल कोर्स है आप लोगों के लिए, है ना। तो गाइज वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। साथ ही अगर आप लोग ऐसे ही वीडियोस देखने चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस आप लोगों के लिए आते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।